हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जितने भी आयोग हैं यानी कमीशन हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत सरकार द्वारा अलग अलग फील्ड के लिए बहुत सारे आयोग यानी कि कमीशन हैं जो भारत सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करते हैं या एक तरीके से एडवाइस करते हैं किसी भी नए रूल को या किसी भी दोस्तों नए लॉ को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आयोग हमारे देश में चलाए जाते हैं, जिसमें से एक है नीति आयोग। नीति आयोग को दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई है, जो दोस्तों DSSB में, सॉरी ये एक एस यहाँ पर रह गया, ये DSSB है, सही है, DSSB 2019 में जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली दिल्ली सरकार ने एग्ज़ाम कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी ये आयोग हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी वन डे एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और जानते हैं सारे आयोग के बारे में स्टेप बाई स्टेप। नीति आयोग, नीति आयोग का जो दोस्तों मेन काम है वो क्या है, ये दोस्तों सामाजिक और आर्थिक तौर पर ग्रास रूट लेवल पर ये आयोग दोस्तों एक तरीके से गहन अध्ययन करता है, उसके बाद में सरकार को सजेस्ट करता है या सरकार को एडवाइज़ करता है कि इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में किसी नए कानून बनाने की या नई योजना की ज़रूरत है। फिर सरकार उस पर दोस्तों उस कानून को या उस योजना को बनाती है और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। यही दोस्तों सब आयोग का काम होता है, जो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला आयोग जो नीति आयोग है, ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 1950 में इसको जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, और ये दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसको रिफॉर्म कर दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग बन गया है नीति आयोग। और दोस्तों नीति आयोग की एक खास बात और है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का PM होता है, यानी कि देश का प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, CEO इसके हैं अमिताभ कांत। इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और वेबसाइट जो है इसकी दोस्तों वो neeti.gov.in है। दोस्तों इस सारी इन्फॉर्मेशन की PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। रुक करते हैं दोस्तों अपना अगले आयोग की तरफ यानी कि अगले कमीशन की तरफ, जो है 21st लॉ कमीशन, जिसको 21वां विधि आयोग बोला जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं बलबीर सिंह चौहान, और इसका जो स्थापना की गई है इस आयोग की वो की गई है 1834 में। इस कमीशन का या इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में कानून की समीक्षा करना। जैसे अगर हम 1950 के आसपास की बात करें तो उस वक्त दोस्तों IT से रिलेटेड कोई भी कानून, कोई ख़ास कानून ना के बराबर होगा, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट या दोस्तों मोबाइल फ़ोन या जो लैपटॉप हैं ये इतने नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आपने सुना होगा जो साइबर क्राइम है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए आज अगर साइबर क्राइम को लेकर कोई भी कानून बनता है तो वो किसके रिकमेंडेशन पर बनेगा, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनेगा। और दोस्तों लॉ कमीशन जो है वो ग्रास रूट लेवल पर इस चीज़ की समीक्षा करती है, गहन अध्ययन करती है कि इस कानून की इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिकली ज़रूरत है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, ये है। इन सारे जितनी भी आयोग हैं इन सभी के दोस्तों वेब पोर्टल बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर इन सारी डिटेल को, इन सारी जानकारी को डिटेल में ही पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश में इन सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो PDF में आपको ये इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब दोस्तों रुक करते हैं अपने अगले आयोग की तरफ, जिसका नाम है NWC यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। स्थापना जो हुई है इस आयोग की वो हुई है 1992 में। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना, सही है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों वो है ncw.nic.in। आप अगर चाहें तो डिटेल में इस वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
और इसके साथ साथ अगर किसी भी विमेन के साथ में कोई भी दोस्तों भेदभाव होता है या किसी भी तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, इस तरह की कोई भी महिला अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वो महिला आयोग में जाकर उसकी शिकायत कर सकती है और वहाँ से उसको एडवाइस प्लस हेल्प ज़रूर मिलती है। अगला जो आयोग है दोस्तों वो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। जैसा इस नाम से सजेस्ट हो रहा है दोस्तों, बाल यानी कि बालक। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये कमीशन या आयोग बना हुआ है। जो दोस्तों बाल श्रम कानून का आपने नाम सुना होगा, बाल श्रम कानून दोस्तों इसी आयोग के रिकमेंडेशन के बाद बना था और उस कानून के तहत कोई भी हैवी इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री 6 से 14 साल के वर्ष के किसी भी बच्चे से लेबर का काम नहीं करा सकती। अगर दोस्तों कराती है तो कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई होती है और उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त हो जाता है। साथ ही साथ जो 6 से 14 साल के बच्चों का राइट टू एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी भी दोस्तों इसी आयोग के द्वारा तैयार की गई है और उसके तहत हर एक 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को इसी के साथ साथ राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को दोस्तों फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराए। इसके जो दोस्तों अध्यक्ष हैं वो हैं कुशल सिंह और इसका जो स्थापना हुई है वो हुई है 2005 में। हेडक्वार्टर दोस्तों इन सभी के 99% न्यू दिल्ली में मौजूद हैं। उद्देश्य बाल संरक्षण को बढ़ावा देना, वेबसाइट दोस्तों ये आप देख सकते हैं। रुक करते हैं दोस्तों अपने अगले आयोग की तरफ जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों HL दत्तू। फाउंडेड जो हुई है दोस्तों ये आयोग वो हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। उद्देश्य क्या है इसका? मानव अधिकारों की रक्षा करना। जो 6 मूल अधिकार हर किसी को दोस्तों प्राप्त हैं उन 6 मूल अधिकारों की रक्षा करना, या अगर कहीं पर भी उन 6 अधिकारों का उल्लंघन होता है या दोस्तों कहीं पर भी कोई भेदभाव फेस करता है तो वो इस आयोग में जाकर शिकायत कर सकता है, जहां से दोस्तों उसको हेल्प भी मिलेगी और एडवाइस भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, जब से इनके वेब पोर्टल स्टार्ट हुए हैं तो दोस्तों आप इनके वेब पोर्टल पर जाकर भी ये सारी शिकायत या इनके बारे में पढ़ना या इनको एडवाइस भी कर सकते हैं। अगले आयोग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि जो SC कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, उनके हितों के लिए दोस्तों इस कानून को या इस आयोग को बनाया गया है। इस आयोग का काम है दोस्तों अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, सही है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रामशंकर कठेरिया। फाउंडेड 1978 में हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है। इससे जो अगला आयोग आता है दोस्तों वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो ST कैटेगरी के या ST कास्ट के लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नंद कुमार साई। फाउंडेड है 19 फरवरी 2004, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना इस आयोग का काम होता है। ST यानी कि जो शेड्यूल ट्राइबल क्लास के लोग होते हैं, जो अक्सर पहले कुछ जमाने पहले दोस्तों, आज भी बहुत सारे जगहों पर ये चीज़ मौजूद है, जो पुराने समय में दोस्तों जिनका जीवन यापन टोटली वनों पर डिपेंड था या उनकी खुद की कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती थी, तो और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना, चाहे एजुकेशन की बात हो या उनके अधिकारों की बात हो, उन सभी का जो काम होता है वो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, सही है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नंद कुमार साई। रुक करते हैं दोस्तों अगले आयोग की तरफ जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसको दोस्तों OBC भी कहा जाता है। OBC क्लास जो होती है, जैसा आप जानते हैं जनरल इधर है और SC और ST इधर है, तो OBC दोस्तों इनके बीच में वेरी करती है, ठीक है। OBC के यानी पिछड़ा वर्ग जाति के हितों की रक्षा करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों भगवान लाल साहनी। और फाउंडेड जो हुई थी ये आयोग, वो हुई थी दोस्तों 14 अगस्त 1993 को। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में मौजूद है और उद्देश्य दोस्तों पिछड़ा वर्ग के जातियों के हितों की रक्षा करना। दोस्तों 1992 में केंद्र सरकार ने एक कमीशन गठित किया था जिसका नाम था दोस्तों मंडल कमीशन, सही है, या मंडल आयोग। इस आयोग के रिकमेंडेशन के बाद ही OBC को जो 27% का रिजर्वेशन है ये तभी से मिलता हुआ आ रहा है,
सही है। रुक करते हैं दोस्तों अपने अगले कमीशन की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, यानी कि 15वां वित्त आयोग भी इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह और फाउंडेड 27 नवंबर 2017, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका जो मेन काम है दोस्तों वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कर का बंटवारा करना, यानी कि टैक्स का बंटवारा करना। दोस्तों हमारे चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्स होता है। दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत हर 5वें साल में राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग का जो मेन काम है, जो सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम है यानी कि टैक्स है, उस कलेक्टेड टैक्स को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बराबर बराबर बांटना, सही है। तो फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो ये होता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो एन के सिंह हैं। और दोस्तों ये इसके 99% चांसेस हैं कि दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला जो आयोग है दोस्तों वो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक कमीशन, UPSC, जिसको शॉर्ट में जानते हैं दोस्तों UPSC। जो हमारे देश में ए ग्रेड लेवल के अफसर होते हैं, जैसे कि IAS अफसर हो गए, IPS अफसर हो गए, उनके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो यही कमीशन कराता है, UPSC कंडक्ट कराता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद सक्सेना हैं, और फाउंडेड जो हुई थी ये कमीशन दोस्तों वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है, और केंद्र सरकार में ग्रेड ए लेवल अफसर की नियुक्ति करना इसका मुख्य काम होता है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upsc.gov.in। तो दोस्तों ये सारे वो इम्पोर्टेंट आयोग हैं या कमीशन हैं जो एग्ज़ाम में जिनके आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इनका PDF मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एग्ज़ाम पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की न्यूज़ के लिए, इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।